शाजापुर से। मध्य प्रदेश सरकार से किसानों की मांग थी कि अतिवृष्टि प्राकृतिक आपदा से सोयाबीन की फसल खराब हो गई। किसानों के समर्थन में करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष योगेंद्र सिंह डोडिया व करणी सेना ने भी शासन से मांग की थी, जिसके आदेश अनुसार सर्वे चालू हो गया। शासन से जल्द किसानों को मुआवजा राशि दी जाए। आज ग्राम खड़ी डोडिया में सर्वे दल ने सोयाबीन की फसल का सर्वे किया, जिसमें ग्राम खड़ी डोडिया के पटवारी गौरव चौरसिया, सहायक सचिव ग्राम पंचायत खड़ी डोडिया विजेंद्र नागर सक्सेना, करणी सेना प्रदेश अध्यक्ष योगेंद्र सिंह डोडिया, दिलीप सिंह डोडिया, भवर सिंह सोनगरा, मान सिंह चौहान, केसर सिंह, किशन लाल चौकीदार तथा ग्राम के किसान, साथ में ग्राम पंचायत खड़ी डोडिया का सर्वे किया। शाजापुर से विक्रम गुर्जर की रिपोर्ट। राजेंद्र सक्सेना, पूर्व सरपंच, ग्राम पंचायत खड़ी। हमारे ग्राम खड़ी में जो ये जो बहुत अधिक बारिश हुई है और सोयाबीन के अंदर जो कीड़े लगे हुए इससे बहुत अधिक नुकसान हुआ है। किसान पूरी तरह से हताश हो चुका है, परेशान है और फसल का लगभग 90% नुकसान हो चुका है और अन्नदाता बहुत दुखी है। तो हम प्रशासन से निवेदन करेंगे कि इसका सर्वे के अंतर्गत इसका बहुत अधिक से अधिक मुआवजा दिलवाया जाए ताकि किसानों को इसका लाभ मिल सके। मैं दिलीप सिंह डोडिया, ग्राम खड़ी डोडिया से। यहाँ पे जो हमारी सारी फसल नष्ट हो गई है, मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि पूरा 90% या 100% ही हमारा नुकसान हुआ है, इसका भरपाई करें, अन्यथा किसान आत्महत्या करने जैसी परिस्थिति में है।